इन तीन भारतीय क्रिकेटर्स पर आई एक साथ आफत, जाने पूरा मामला। मोहम्मद शमी, इरफान पठान और उमेश यादव। ये महज एक इत्तेफाक ही है कि एक साथ दो दिनों के अंदर ही भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों क्रिकेटरों पर आफत आई है। दो दिन में तीन अलग अलग घटनाएं हुई और तीनों ही घटनाओं में टीम इंडिया के क्रिकेटरों को नुकसान उठाना पड़ा है, जिनमें शामिल हैं टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, उमेश यादव और इरफान पठान। एक, मोहम्मद शमी। भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी मोहम्मद शमी पर कुछ बदमाशों ने उनके कोलकाता स्थित घर में घुसकर मारने की कोशिश की। मोहम्मद शमी ने शनिवार को हुई एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि रात को कार पार्क करते समय उनकी एक व्यक्ति से बहस हो गई थी। इस बात पर वह आदमी शमी को गालियां देने लगा। इसके बाद उस बदमाश ने शमी को गाड़ी से बाहर निकलने की सूरत में सबक सिखाने की धमकी दे डाली। शमी ने पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस से सुरक्षा की मांग की है और उम्मीद जताई है कि जल्दी ही पुलिस इस मामले में कुछ करेगी। दो, उमेश यादव। क्रिकेटर उमेश यादव के नागपुर स्थित घर में सोमवार को चोरी हो गई। उमेश का घर नागपुर के पोश इलाके शंकर नगर में है। खबर के मुताबिक उमेश के घर से 40,000 रुपए और एक एप्पल आईफोन चोरी हुआ है। इस वारदात के वक्त उमेश घर पर नहीं थे। चोरी की बात तब सामने आई जब सोमवार शाम उमेश यादव वापस घर आए और ताला टूटा हुआ देखा। जब उन्होंने घर के सामान की जांच की तो पाया कि 40,000 रुपए और एप्पल का एक फोन गायब है। उमेश यादव ने फौरन पुलिस को सूचना दी और मामला दर्ज किया जा चुका है। पुलिस जांच में जुटी है। तीन, इरफान पठान। दूसरी तरफ क्रिकेटर इरफान पठान अपनी पत्नी सफा बेग के साथ सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करने पर ट्रोल हो गए। दरअसल रविवार को इरफान पठान ने पत्नी सफा बेग के साथ फेसबुक पर एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में इरफान की पत्नी सफा ने हिजाब पहना हुआ है और हाथों से अपना चेहरा छिपाया हुआ है। इस तस्वीर पर बहुत से लोगों ने कमेंट किए। कुछ यूजर्स ने इरफान की इस तस्वीर पर उन्हें ट्रोल कर दिया। लोगों का कहना है कि इरफान की ये तस्वीर गैर इस्लामिक है, क्योंकि इसमें उनकी पत्नी का आधा चेहरा दिख रहा है और उन्होंने नाखूनों पर नेल पॉलिश भी लगाई हुई है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।